हेलो दोस्तों, मैं सुमित। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल की स्क्रीन के बारे में। देखो गाइस, क्या है कि अभी जितने भी आप फ़ोन बाय कर रहे हो, सभी के पीछे ना ये बैक आपको ग्लास देखने को मिल जाता है। और होता क्या है कि इसके पीछे आपको फिंगरप्रिंट्स ना काफ़ी जल्दी पड़ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर ना ईजिली पड़ जाते हैं। यहाँ पर तो देखने में काफ़ी सही लगता है। ये रिसेंटली मैंने Mi 11X लिया, इसके पीछे फिंगरप्रिंट्स पड़ जाते हैं। ये चीज़ मेरे को देखने में काफ़ी बुरी लगी, काफ़ी बेकार लगी। इसलिए भैया मैंने सोचा यार स्क्रीन्स मंगा लेते हैं, जैसे कि मैं हर फ़ोन के लिए मंगाता हूँ। तो रैपकार्ट की तरफ से मैंने भाई स्किन मंगाया, और इस बार जो मंगाया भाई वो काफ़ी अलग मंगाया है। इस बार मैंने 4D स्किन मंगाई है। 4D क्या होता है, 3D तो आपने सुना होगा, लेकिन ये है भाई यहाँ पर 4D। तो ये स्किन है, यहाँ पर अभी मैं इसको दिखाऊंगा। उससे पहले इसके अंदर और क्या क्या देखने को मिलता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इनका इंट्रक्शन है, यानी कि किस तरह से आपको लगाना है। यहाँ पर सब कुछ दिया गया, बट मैं आपको लगा के दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इनका भाई यहाँ पर प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन भी, वेबसाइट वगैरह। आप इनकी वेबसाइट पर जाके बहुत जितने भी आपके पास फ़ोन है, कोई भी ऐसा फ़ोन है, आप उसका नेम सर्च करके, मॉडल सेलेक्ट करके स्किन मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनकी वेबसाइट पे काफ़ी सारी स्किन्स अवेलेबल है, आप जाके बाय कर सकते हो। और बाकी साथ में आपको ये वाइप्स दिए गए, ये एक यहाँ पर दो, जितनी स्किन मंगाओगे उतने आपको वाइप्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो मंगाई है, तो हमें यहाँ पर दो मिली है। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बाय करने का, आप जाके चेकआउट कर लेना। और कूपन कोड लगाना मत भूलना, हो सकता है आपको 50 रुपये का या फिर जितने का भी है डिस्काउंट मिल जाए। तो चेकआउट जोर से कर लेना। ये वाइप्स है, इसको हम साइड में रखते हैं। अब 4D स्किन की मैं क्या बात कर रहा था, ये देखो भाई, यहाँ पर आपको 4D देखने को मिलता है। ये एक 3D है, तो आप देख सकते हो, ये है यहाँ पर 3D, इसकी बात कर रहा था मैं। यहाँ पर आपको 3D देखने मिल रहा होगा। ये जो अवेंजर लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये आपको 3D, ये एक तरह से यहाँ पर एक लोगो है, और कुछ भी नहीं है। ये स्किन के ऊपर एक लोगो चिपका हुआ है, जो कि 3D देखने में लगता है। देख सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा हुआ है। तो इसको हम अपने Mi 11X में लगाएंगे। और ये भाई साइबर पंक वाली, ये काफ़ी अलग अलग कलर्स में भी मिलती है, रेड कलर में मंगाई है, जो कि हम अपने Realme X2 Pro के ऊपर लगाएंगे। तो लगा के दिखाने वाला हूँ। तो भैया करना क्या, इस वीडियो को लाइक कर देना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप बाय कर सकते हो। सबसे पहले हम Mi 11X के अंदर लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं, लगाने के लिए आपको ये वाइप्स दिए जाएंगे। वाइप्स देने के बाद सिंपल आपको अपने डिवाइस को पीछे से सफ़ा कर लेना। तो हम जल्दी से इसको सफ़ा कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको लगाना कैसा है। तो यहाँ पर जो है, मैंने अपने डिवाइस को अच्छे से क्लीन कर लिया। अब सिंपल आपको लगाने के लिए करना क्या है, या तो ऊपर की साइड से आप देख लो, या फिर आप नीचे की साइड से देख लो, जहाँ से भी देखना भाई पोर्ट सही से मैच करने चाहिए, उसके बाद इसको आप लगा देना है। तो आप देखते रहो, जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ आपको उसी तरह से लगाना है। तो गाइस, यहाँ पर हमने एक डिवाइस के अंदर सही से लगा लिया है, Mi 11X के अंदर। ये देख सकते हो स्क्रीन, फाइनल टच दो, अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। जल्दी से हम यहाँ पर भाई Realme X2 Pro के अंदर भी इसको लगा लेते हैं भाई जल्दी से, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये दिखने में लगते हैं। तो मेन स्क्रीन लगाने का मकसद यही है। यहाँ पर आप देख सकते हो यार, मेरे फ़ोन के ऊपर कितने सारे डेंट आए पड़े हैं। तो ये डेंट भी मेरे इस स्किन की वजह से छुप जाएंगे, और मेरा फ़ोन भी प्रोटेक्ट रहेगा। तो अब सिंपल मैं आपको लगा के इसको भी दिखा देता किस तरह से लगाना है। जैसे हमने इस फ़ोन के अंदर लगाया, वैसे हम इसको भी लगाएंगे। इसके नीचे पोर्ट से तो हम नीचे की साइड से इसको छुटा लेते हैं, उसके बाद हम इसको भी लगा लेते हैं।
तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दोनों डिवाइस के अंदर ये जो स्किन है वो अच्छे से अप्लाई कर लिया। ये देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको स्किन देखने को मिल जाता है। 3D वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये साइबर पंक वाला भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अभी जो स्किन है वो कम्प्लीट तरीके से लगी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो साइड साइड के एजेस जो है वो उठे उठे से हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो उठे उठे से हो रहे हैं साइड साइड में से। दोनों ही स्किन में आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो सिंपल आपको करना क्या है, अगर आपका भाई हेयर ड्रायर है तो आपको थोड़ा थोड़ा हीट करके इसको साइड से चिपका देना है। तो मैं आपको दोनों को हीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इनका फाइनल टच किस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो इन दोनों ही स्किन को मैंने लगा लिया अच्छी तरीके से और यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले अवेंजर वाले की हम बात करें क्योंकि इसके अंदर आपको 3D देखने मिलता है। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको 3D देखने को मिल जाता है यार, जो कि काफ़ी सही लगता है देखने में। और सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है पता है, जब आप इस फ़ोन को रखोगे ना तो आपका कैमरा तो ये पहले से प्रोडक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर देखो एक तो ये दिया हुआ, ऊपर से ही आपका फ़ोन इस तरह से रखा जाएगा तो आपको थोड़ी सी स्पेस की थोड़ा सा स्पेस ऐसा लगेगा नीचे की साइड है। सबसे पहले ये टिकेगा, उसके बाद आपका जाकर फ़ोन टिकेगा। देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको स्किन देखने को मिल जाती है। साइड साइड की मैं बात करूँ तो साइड के कॉर्नर्स आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बबल रह गया, वो एयर आ गई थी इस वजह से, बाकी आप अच्छे से लगाओ तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। बाकी नीचे की साइड वैसे तो नीचे की साइड तो बिल्कुल सही तरह से लगा है। पोर्ट्स की हम बात कर ले, देख सकते हो सारे के सारे पोर्ट्स आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की साइड दिखा देता हूँ मैं साइड में, तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। और यहाँ पर आप जैसे वॉल्यूम अप एंड डाउन वाले आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। तो ये है यहाँ पर भाई Mi 11X का, और ये है Realme X2 Pro का। देख सकते हो पीछे की साइड आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ऊपर की साइड एक ही पोर्ट है। नीचे की पोर्ट में आप दिखा देता हूँ आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही देखने में लग रहा है। साइड में आप देख सकते हो ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से। तो ये है स्किन कुछ इस तरह से। बाकी आपको मंगानी है रैपकार्ट की वेबसाइट से तो आप जाके मंगा सकते हो, कूपन कोड दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ये 3D वाला ना यार, ये देखने में काफ़ी मस्त लग रहा है। देख सकते हो ये आपको 3D टाइप का देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सही देखने में लगता है। तो यार यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको किसी भी अदर डिवाइस का मंगा रहा है, एंड्रॉयड या फिर आईफोन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास फोन होना चाहिए। या फिर आप लैपटॉप वगैरह आईपैड वगैरह का भी स्किन मंगा सकते हो इनकी वेबसाइट पे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक दिया, जाके आप बाय कर सकते हो।